गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी सीक्रेट्स हिंदी। आज मैं आप सभी के साथ में 10 डेज का एक चैलेंज आपको देने वाली हूँ एक नाइट सीरम को लेकर, जो कि आपके डार्क स्पॉट्स और आपके मेलाज्मा, आपके हाइपर पिगमेंटेशन के लिए मैं बनाने वाली हूँ। सो ये 10 डेज का चैलेंज है तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आपको डार्क स्पॉट्स या मेलाज्मा या फिर फ्रैकल्स की प्रॉब्लम है तो ये डीपली वर्क करता है आपके पिगमेंटेशन को कम करने के लिए, आपके डार्क स्पॉट्स को कम करने के लिए। इसके अनेकों और ढेरों बेनिफिट्स है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं और बताती हूँ आपको कैसे हम इसको बना सकते हैं। 10 डेज चैलेंज नाइट सीरम टू क्लियर हाइपर पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स, मेलाज्मा एंड फ्रैकल्स। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आप ऐसे और भी अमेजिंग DIYs, होम रेमेडीज और कई तरह के ट्रीटमेंट्स आप मेरे इस चैनल पर देखते रहेंगे। तो आइए मैं आपको बता दूं कैसे मैं इस सीरम को बनाऊंगी, और यूज़ करने का तरीका बहुत ही डिफरेंट है, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ किस तरह से हम इस सीरम को बनाते हैं। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ पर एक बॉल लीजिए और इसके अंदर आपको सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो कि चाहिए होगा एलोवेरा जेल। अब एलोवेरा क्या करेगा पिगमेंटेशन में? एलोवेरा आपकी स्किन को स्मूथ करता है, सॉफ्ट करता है, मेलाज्मा और डार्क स्पॉट्स के निशान को ये हल्का करने में काम आता है। गाइस यहाँ पर एक चीज़ आपको बता दूँ, आप मार्केट वाला ही जेल यूज़ कीजिएगा क्योंकि हम इसको 10 दिन के लिए स्टोर करके रखने वाले हैं। नाउ मैंने यहाँ पर लिया है 2-3 चम्मच, ये मेरे पास एलोवेरा एंड पपाया एक्सट्रेक्ट का एलोवेरा जेल था, सो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 2-3 चम्मच एलोवेरा जेल। एंड गाइज दूसरा मेरा सुपर एंड मेजर इंग्रेडिएंट है एप्पल साइडर विनेगर। विनेगर आपके पिगमेंटेशन को बहुत ही ईजिली हटाने में काम आता है क्योंकि ये हमारी स्किन को एक्सफोलिएट करता है। जो मेलानिन की ज़्यादा बढ़ने से अगर आपकी त्वचा पर मेलाज्मा या फिर डार्क धब्बों की समस्या हो गई है तो एप्पल साइडर विनेगर इसको डीपली ख़त्म करने में काम आता है और आपके डेड सेल्स को हटाता है, आपकी स्किन को ग्लोइंग और सॉफ्ट बनाता है। सो गाइज यहाँ पर 1-2 चम्मच मैंने, बिल्कुल छोटी छोटी सी चम्मच मैंने के अंदर ऐड की थी। अगर आप बड़ा चम्मच ले रहे हैं तो एक चम्मच बहुत ही इनफ होगा। उसके बाद गाइस मैंने यहाँ पर ऐड करना है इसके अंदर थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर, अगर आपके पास टर्मरिक एसेंशियल ऑयल है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद गाइस मैंने यहाँ पर ऐड करना है इसके अंदर रोज वाटर, 2-3 चम्मच आप यहाँ पर रोज वाटर ऐड करें। रोज वाटर इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि विनेगर के साथ अच्छे से डाइल्यूट हो जाएगा और काफी अच्छे से आपको रिजल्ट दे पाएगा। सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद गाइस मैं इसको स्टोर करने वाली हूँ। ये एक बहुत ही इफ़ेक्टिव सीरम है जिसको आप रात में लगाएंगे तो आपके काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स ठीक होंगे। इसको आप स्टोर करके रख लीजिएगा। अभी मैं आपको इसको लगाने का तरीका बताती हूँ। इसको यूज़ करने से पहले आपको अपनी स्किन को वाइप अप करना है, जिसके लिए आप एक बॉल के अंदर थोड़ा सा पानी या फिर रोज़ वाटर लीजिए और इसके अंदर थोड़ा सा एप्पल साइडर विनेगर डालिए और फिर इसके अंदर कोई भी कॉटन पैड डालकर आप इसे पहले अपनी स्किन को अच्छे से साफ कर लें, वाइप अप कर लें। इससे ये होगा कि आपकी स्किन टोन लाइटन होगी, आपके डेड सेल्स निकलेंगे, दाग धब्बों को हटाएगा, आपके दाग धब्बे, पैचेस, डार्क स्पॉट्स हल्के होंगे अगर आप इसको इस तरह से वाइप अप करेंगे अपनी स्किन को। गाइज इस तरह से आप इसको 1-2 मिनट के लिए वाइप अप कीजिए और उसके बाद इसको आप ऐसे ही आप इसको अपनी स्किन में छोड़ दीजिए और हल्का सा चेहरे को ड्राई कर लीजिए। उसके बाद रात में ही आपने सीरम को लगाना है। 4-5 बूंदे आप अपने फेस पर लगाइए और अच्छे से डैप डैप करके अपनी स्किन में इसको ऑब्जॉर्व कर लीजिए और ओवरनाइट इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। 10 डेज तक आप ऐसा करके देखिए। अगर बहुत ज्यादा जिद्दी, अगर बहुत ज्यादा पुराने डार्क स्पॉट्स हैं, गाइस आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले सकता है, लेकिन ये आपको 100% रिजल्ट देगा और आपकी स्किन से सारे पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स और मेलाज्मा, ये सब प्रॉब्लम को ये दूर कर देगा। बट आप इसको कंटिन्यू जरूर इस्तेमाल करना। इसी के साथ दोस्तों, अगर आप मेलाज्मा को कम करना चाहते हैं तो पानी के अंदर आधे नींबू का रस डालकर हर सुबह खाली पेट पीजिए और इसी के साथ आप ऐसी चीजें खाइए जिनमें आपको काफी सारा फाइबर मिलता हो, काफ़ी सारा आपको विटामिन्स मिलते हों, विटामिन सी मिलता हो, जैसे कि आप पपाया खा सकते हैं, आप अनार खा सकते हैं या फिर आप बनाना खा सकते हैं। इस तरह के फ्रूट्स खाने से भी आपके पिगमेंटेशन कम होते हैं क्योंकि इनके अंदर विटामिन्स और पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, जो कि आपकी डलनेस और आपके पिगमेंटेशन को भी दूर करते हैं। सो गाइज आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसके लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू ऑल गाइज, टेक केयर, बाय।